तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एन पाई बाई सिक्स है और डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर एन है। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ n पाई बाय 3 आ जाएगा एंड डिवाइड में 2 एन या 2 रेज़ टू पावर n था इस तरीके से। तो इस 2 को तो यहाँ पे बाहर ले लेता है तो ये इस तरीके से आ जाएगा, समेशन n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉस ऑफ n पाई बाय 3 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर n। अब इसको दो पार्ट में कर लेता है, n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n प्लस समेशन n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ n पाई बाय 3 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर n। ये है जो कि 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 ये वाली है। तो इसका सम यहाँ पर 2 होगा, तो ये हो गया ½ प्लस 2 टाइम्स समेशन n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ n पाई बाय 3 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर n। तो ये 1 प्लस ½ टाइम्स cos ऑफ n पाई बाय 3 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर n। इस चीज को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एन पाई बाई थ्री को रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एन पाई बाई थ्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको मैं ई रेज टू पावर आयोटा एन पाई बाई थ्री का रियल पार्ट लिख सकता हूँ। तो अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस ½ ऑफ रियल पार्ट को बाहर निकाल लेता है, रियल पार्ट ऑफ समेशन एन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी इस चीज का समेशन ई रेज टू पावर आयोटा एन पाई बाई थ्री डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर n। तो पहले इसका समेशन करूंगा और फिर उसका रियल पार्ट लूंगा, तो सेम ही चीज आएगी। तो यहाँ पर अब अपन इसका समेशन करें तो ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 0 पुट करने पर ये आएगा, फिर ये e रेज टू पावर आयोटा पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई 2 e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई थ्री डिवाइड में 2 आ रहा है। तो अगर तुम इसका मॉड्यूलस लो तो ये इस तरीके से आएगा, ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई थ्री का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 2 और ये हाफ होगा। तो यहाँ पे अपन इनफाइनाइट जीपी का सम लगा सकते हैं, तो ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। तो ये इस तरीके से आएगा, 1 प्लस ½ ऑफ रियल पार्ट ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस e रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 3 डिवाइड में 2। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता है, 1 प्लस रियल पार्ट इस 2 से, ये यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर में ये आएगा वो कैंसिल हो जाएगा 2 इस तरीके, तो फिर ये इस तरीके से बच जाएगा। अब ऊपर नीचे इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 रेज टू पावर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दिस यहाँ पे यह आ जाएगा प्लस आयोटा की जगह माइनस, और इधर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस e रेज टू माइनस आयोटा पाई बाय 3, और नीचे देखेंगे तो 4 माइनस 2 टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 3 माइनस 2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 एंड प्लस का 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 एंड यहाँ पर ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा एंड 2 को यहाँ पे बाहर ले लो तो ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 3 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। तो यहाँ पर तुम जानते हो कि इसको मैं कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 एंड यहाँ पे इसका 2 टाइम्स कॉस थीटा क्या होता है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को इधर ले जाएंगे और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर देंगे तो सेम आएगा, 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3
एंड 5 माइनस 2 एंड ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ 5/3, तो इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ये हो गया अपने पास, तो अपने पास है 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस, उसको यहाँ पर कॉस ऑफ पाई बाई थ्री माइनस आयोटा साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। नीचे अपने पास 5 माइनस कॉस ऑफ 4 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई थ्री था, तो कॉस ऑफ पाई बाई थ्री की जगह यहाँ पर हाफ पुट कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई थ्री की जगह हाफ माइनस आयोटा √3/2, और इधर यहाँ पर देखोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 3/2 एंड यहाँ पे डिवाइड में 3 माइनस आयोटा √3/2 एंड ये 3, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस चीज़ का रियल पार्ट क्या है ये, तो ये 1 प्लस 1/2 आ जाएगा जो कि 3/2 है। तो 3/2 क्या हो जाएगा, अपनी जो ओरिजिनल ये सीरीज थी उसका समीशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।